नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 360। मैं हूँ स्वाति रायना। हम आपको बताएं, विदेश मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक बयान आया है। दरअसल विकास स्वरूप ने एक बयान दिया है इस्लामाबाद में सार्क सम्मेलन को लेकर। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में होने वाला सार्क सम्मेलन स्थगित हो गया है। इस्लामाबाद में सार्क सम्मेलन पर यह विकास स्वरूप का बयान आया है। दरअसल भारत के साथ तीन देशों ने सार्क सम्मेलन का बहिष्कार किया और सार्क सम्मेलन पर आखिरी फैसला अब नेपाल लेगा। एमएई में स्पोक्सपर्सन विकास स्वरूप ने दरअसल बयान में कहा कि नेपाल की चिट्ठी आई है और नेपाल को चिट्ठी लिखकर हमने अपना रुख बताया है, स्थगित करने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो सार्क सम्मेलन स्थगित हो गया, ऐसा विकास स्वरूप ने कहा है, ये बयान दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि इस्लामाबाद में जो सार्क सम्मेलन हो रहा था वो आधिकारिक तौर पर उनकी तरफ से जो बयान आया है इसमें स्थगन की बात की गई। देखिए, सार्क के नियम बहुत स्पष्ट हैं। यदि किसी भी सार्क देश का प्रमुख यानी कि हेड ऑफ गवर्नमेंट अगर ये फैसला लेता है कि वो सार्क शिखर सम्मेलन में भाग नहीं ले सकते हैं तो फिर शिखर सम्मेलन को स्थगित होना पड़ता है। और इस बार तो आपने देखा है कि केवल भारत ही नहीं, तीन और देश, बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान, तीनों ने साफ कह दिया है नेपाल को, जो कि इस समय करंट चेयर हैं, अध्यक्ष हैं सार्क के, कि वो उनके जो अध्यक्ष हैं वो भी नहीं जा सकते हैं समय सार्क शिखर सम्मेलन में। तो अब इसका कोई चारा नहीं है, इस शिखर सम्मेलन को स्थगित होना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि पत्र हमने नेपाल को लिखे हैं जो कि करंट चेयर हैं सार्क के, ये फैसला जो है उसकी घोषणा आधिकारिक तौर पर नेपाल ही कर सकता है। बढ़ते आगे और जी बिजनेस की खबर पर मोहर लग गई है। सेबी ने कमोडिटी में ऑप्शन ट्रेडिंग को मंजूरी दे दी है। सेबी ने इसके लिए एक सर्कुलर जारी कर दिया है। कमोडिटी एक्सचेंज सेबी के पास ऑप्शन शुरू करने की अर्जी दे सकते हैं। जी बिजनेस ने सबसे पहले बताया था कि 28 सितंबर को यानी कि आज ऑप्शन ट्रेडिंग को मंजूरी मिलेगी। बजट में वित्त मंत्री ने कमोडिटी में नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने का प्रस्ताव दिया था। जानकारों के मुताबिक कमोडिटी में ऑप्शन आने से वॉल्यूम काफी बढ़ेगा। मेरे सहयोगी तरुण से बात करते हैं। तरुण, सेबी के इस फैसले से कमोडिटी एक्सचेंज के कारोबार पर कैसा असर दिखता है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि सेबी ने आज कमोडिटी मार्केट में ऑप्शंस को अलाउ कर दिया है। ये बात सही है कि इसमें काफी समय लगेगा कि जब जो मार्केट में रोल आउट होने का ऑप्शंस का, लेकिन ये आज एक बड़ा फैसला लिया गया क्योंकि हेजर्स के लिए मार्केट अब खुलेगा। मार्केट में एक बड़ा दायरा बढ़ेगा और मार्केट का डीपन और ज़्यादा मार्केट इसमें होगा। और जिन जिन कमोडिटीज में उम्मीद की जा रही है जिसमें कमोडिटी ऑप्शन स्टार्ट हो सकते हैं, सबसे पहले गोल्ड सिल्वर एक ऑप्शन हो सकता है नॉन एग्री के लिए, और एग्री के अंदर सोयाबीन और ग्वार जैसे काउंटर हो सकते हैं क्योंकि ये चारों ही कमोडिटीज काफ़ी वॉल्यूम है इन कमोडिटीज़ में, और इसके साथ ये कमोडिटी रूपी में एक तरीके का कन्वर्जन होता है। तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे सेबी किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहता, वो सिर्फ वो उन कमोडिटीज को अलाउ करेगा जहां पे वॉल्यूम्स ज्यादा हैं, जिनमें जो ट्रेडर्स हैं उनकी संख्या ज्यादा है, उन्हीं कमोडिटीज को यहां पे अलाउ किया जाएगा। 22 जुलाई की जो कमोडिटी डेरिवेटिव एडवाइजरी कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उसमें भी साफ तौर से यह था कि ऑप्शंस को अलाउ किया जाए, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट में एक एग्री और एक नॉन एग्री कमोडिटीज को इंक्लूड किया जाए। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 26 सितंबर को ही हमने बता दिया था कि 28 सितंबर को सेबी कमोडिटी ऑप्शंस के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे देगा, लेकिन अब इसके बाद एक्सचेंजेस सेबी के पास जाएंगे और बताएंगे कि वो किस तरीके का ऑप्शन लेके आना चाहते हैं, अमेरिकन लेके आना चाहते हैं, यूरोपियन लेके आना चाहते हैं, किन किन कमोडिटीज में लाना चाहते हैं। तो लिहाजा एक बड़ा फैसला यहाँ पे सेबी ने किया है। सेबी एफएमसी मर्जर को आज एक साल पूरे हो गए हैं। इस सेबी एफएमसी मर्जर के दिन आज सेबी ने एक बड़ा तोहफा, मैं कहूंगा कि कमोडिटी ट्रेडर्स को। जी बहुत शुक्रिया तरुण, इस पूरी खबर पर बातचीत का। इनफैक्ट कमोडिटी एक्सचेंज ने सेबी के इस कदम का स्वागत किया है। एमसीएक्स और एनसीडीएक्स का इस पर क्या बयान है, आइए अब आपको ये भी सुनाते हैं। अच्छा स्टेप किया है सेबी ने, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सेबी के एक साल की एनिवर्सरी, मर्जर की एनिवर्सरी पे उन्होंने ये डिसीजन लिया है, जबकि पूरे लास्ट 12 मंथ्स उन्होंने पूरा रिस्क मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे फोकस किया था जिसको काफी हद तक टाइट किया है सेबी ने। और अभी नेक्स्ट फेज एकदम लॉजिकल नेक्स्ट फेज है कि मार्केट को डेवलप किया जाए, तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। और हेजर्स और फार्मर्स के लिए ये ऑप्शंस का इंट्रोडक्शन, इन प्रिंसिपल अप्रूवल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है इस मार्केट डेवलप। तो समीर शाह जो एमडी है एनसीडीएक्स के, इन्होंने अभी
कहा है कि इस कदम का स्वागत किया जा रहा है। इनफैक्ट एमसीएक्स का इस पर क्या कहना है, उस पर कुछ देर पहले हमने जॉइंट एमडी पीके सिंघल जी से भी बात की, सुनिए। सिस्टम का आदमी गोल्ड और सिल्वर में हमारे यहाँ इन्वॉल्व है। कॉपर जो है, जो प्रधानमंत्री जी का है कि मेक इन इंडिया, उसके हिसाब से हर एक बेस मेटल इंडस्ट्री जो है कॉपर से इन्वॉल्व है। तो हमने तो जो हमारा जो है, हमारा प्रिपरेशन तैयार है। अभी सेबी से डायलॉग होगा, उसमें देखते हैं कि सेबी कौन सा अलाउ करेगी। कमोडिटी में वायदा कारोबार का दायरा बढ़ने वाला है। कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग पर सरकार ने आज बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्रालय ने डायमंड, पेट्रोल, इथेनॉल, प्याज, अंडा, मसूर समेत कुल 91 कमोडिटीज में फ्यूचर ट्रेडिंग को मंजूरी दी है। इसके लिए मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब कमोडिटी एक्सचेंज अलग अलग कमोडिटी में सेबी से फ्यूचर ट्रेडिंग की मंजूरी मांग सकते हैं। जी बिजनेस ने सबसे पहले आपको ये बताया था कि कमोडिटी वायदा कारोबार का दायरा बढ़ने वाला है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत ने ऊंची छलांग लगाई है। आइए आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खबर। तो साफ तौर पर सरकार के कदमों और रिफॉर्म्स का असर दिख रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। पिछले साल के मुकाबले भारत की पोजिशन 16 पायदान उछलकर 39वें स्थान पर आ गई है, जिसका मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और भारत में कारोबार करने के माहौल में काफी सुधार हुआ है। इस इंडेक्स में दुनिया के 138 देश शामिल हैं। बड़ी बात यह भी है कि भारत और चीन के बीच अंतर काफी कम हुआ है। चीन 28वें नंबर पर है। ब्रिक्स देश यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। इतना ही नहीं, ये रिपोर्ट बताती है कि भारत में सरकारी संस्थाओं का कामकाज भी सुधरा है और ये 42वें से 16वें स्थान पर आ गई हैं, जबकि फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के मामले में भी भारत 38वें स्थान से 15वें नंबर पर पहुंच गया है। सिंस डे वन द सीरीज ऑफ स्टेप्स व्हिच हैव बीन टेकन टुवर्ड्स स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स फ्रॉम 71st पोजीशन इन 2014-15 we moved up to 55 in 2015-16. There was a jump of 16 positions, and now there is a further jump of 16 positions in 2016-17, and we are at 39, which effectively means that in the last 2 years we moved up 32 positions. सरकार के जितने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है उसके तहत ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जो इंडेक्स है उसमें भारत का जो रैंकिंग है वो काफी सुधरी है। अब देशों की रैंकिंग है उसके हिसाब से अभी स्विट्जरलैंड है वो नंबर एक स्थान पर है। सिंगापुर 2015 में दूसरे स्थान पर था, अभी भी दूसरे नंबर पर वो कायम है। यूएस की बात करें तो 2015 से अब तक भी उसकी भी रैंकिंग एकदम बिल्कुल सेम है जैसे पहले थी। चाइना की जो रैंकिंग थी 2015 में और अभी वो 28 नंबर पर है इस पर्टिकुलर इंडेक्स में। और अगर भारत की बात करें तो पहले 2015 में 55 से उसने काफी ऊंची छलांग लगाई है और वो 39वें पायदान पर भारत पहुंच गया है। और ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी खबर है भारत के लिए। भारत के लिए इसमें बड़ी बातें हैं कि दुनिया का ब्राइट स्पॉट बनकर भारत उभरा है। एक डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रही है। जीडीपी पर कैपिटा 9 साल में दुगना हुआ है। पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ $3,587 से बढ़कर $6,599 हो गया है। ये एक्चुअली इस पूरे इंडेक्स में और भारत की ग्रोथ के लिहाज से बहुत बड़ी बात है। चलिए अब जीएसटी की बात करें तो सरकार 1 अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू करने के लिए काफी प्रतिबद्ध है। इसके तहत आज कैबिनेट ने 2,256 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी भी दी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स यानी सीबीईसी इस रकम का इस्तेमाल जीएसटी को वक्त पर लागू कराने के लिए करेगी। प्रोजेक्ट सक्षम के तहत आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट पर 7 साल में कुल 2,256 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रोजेक्ट सक्षम के तहत आईटी सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जीएसटी और स्विफ्ट के लिए होगा। फेस्टिव सीजन से पहले सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को तोहफा दे दिया है। कैबिनेट ने रेलवे के लिए नॉन गेजेटेड कर्मचारियों को 78 दिन के प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस को मंजूरी दी है। इससे सरकार पर इस साल 2,091 करोड़ रुपए का बोझ भी पड़ेगा। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स को यह बोनस नहीं मिलेगा। यह बोनस दशहरा से पहले दे दिया जाएगा।
कि प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस का एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला से इस साल 75 डेज का आया, लेकिन हमने कैबिनेट ने यह तय किया कि पिछले साल भी मोदी सरकार ने 78 डेज का बोनस दिया था, तो इस साल भी हम रेलवे कर्मचारियों को 78 डेज का बोनस देंगे। ये बहुत रेलवे के लिए एक खुशी की बात है और ये 78 डेज का बोनस और ये अपना दशहरा अभी आ रहा है उसके पहले ये बोनस देंगे, ये भी हमने निर्णय किया है। खबर मुंबई से। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सुझाव दिया कि वो एक परिवार एक कार की पॉलिसी पर विचार करे, साथ ही वाटर ट्रांसपोर्ट के विकल्प पर भी विचार करे ताकि शहर में पार्किंग और ट्रैफिक की समस्या से निजात मिल सके। हाईकोर्ट ने इस बारे में रीजनल प्लानिंग एजेंसी MMRDA, BMC राज्य के शहरी विकास विभाग, ट्रैफिक पुलिस को इस बारे में एक साथ बैठकर हल निकालने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने सुझाव शहर में पार्किंग की समस्या से जुड़ी एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान किया और कोर्ट ने कहा कि शहर में अनाधिकृत पार्किंग बड़ी समस्या है जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का सहारा भी लिया जा सकता है। तो मुंबई में पार्किंग की समस्या, साथ ही जिस तरीके से ट्रैफिक की समस्या है, ट्रैफिक जाम जो होता है, उसको लेकर एक प्रॉपर प्लान बनाने की तैयारी की जा रही है जिसके तहत मुंबई के ट्रैफिक पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुछ सुझाव दिए हैं, जैसे कि एक परिवार में एक ही गाड़ी होनी चाहिए, इस नीति पर विचार किया जाए जिससे कम से कम ट्रैफिक की समस्या से दो चार ना होना पड़े। वैसे अगर कहा देखा जाए इसे, ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है क्योंकि तुरंत इसको लागू करना इतना ज्यादा फीजिबल नजर नहीं आता है, लेकिन हाँ वाटर ट्रांसपोर्ट के विकल्प पर भी विचार करने का सरकार सोचे, ऐसा कहा जा रहा है हाईकोर्ट की तरफ से। हाईकोर्ट ने जो निर्देश जारी किए हैं अनुराग, इसको लेकर अब आगे प्लानिंग कैसे की जाएगी, इस पर क्या कोई विचार हुआ है? जी, अभी तो जैसे कि जो बॉम्बे हाईकोर्ट में है, जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज है और जो दूसरी बॉडीज है, उनको सुझाव के तौर पे कहा है और ये कहा है कि इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है उसका फ्रेमवर्क तैयार करे, क्योंकि जिस तरह से कंजेशन बढ़ता जा रहा है मुंबई के अंदर, ट्रैफिक बढ़ती जा रही है और ज्यादा गाड़ियों की वजह से कम डिस्टेंस सफर करते हुए भी घंटों लग जाते हैं, तो कई लंबे वक्त से मांग उठ रही थी, इसको लेकर PIL भी फाइल हुई थी, तो उसी सिलसिले में एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हुए हाईकोर्ट ने सुझाव दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात, हाईकोर्ट ने उसमें ये भी कही कि इसको इम्प्लीमेंट करा जाए और इसके अलावा ये देखा जाए कि कितने लोगों को है, किन सदस्यों को है, पूरा परिवार का हिस्सा माना जाए और उसका एक फ्रेमवर्क तैयार करके, या राशन कार्ड के अंदर जो नाम है वो परिवार के लोग होंगे और उसके ऊपर वन कार वन पार्किंग की पॉलिसी, वन फैमिली की पॉलिसी अडॉप्ट की जा सकती है। इन सबको देखते हुए अब हाईकोर्ट के जो सुझाव है उसको अथॉरिटीज किस तरह से आगे लेगी वो देखते हैं। तो फिलहाल ये सुझाव ही है और इस पर जो विचार करना है उसके तहत ही इस पूरी समस्या का समाधान निकाला जा पाएगा। बहुत शुक्रिया अनुराग इस पर बातचीत हमसे करने के लिए। टेलीकॉम कंपनियों के झगड़े में ग्राहकों की काफी बल्ले बल्ले हो गए। दरअसल अब एयरटेल ने इंटरनेशनल रोमिंग पर फ्री इनकमिंग कॉल का ऑफर दिया है, यानी इंटरनेशनल रोमिंग पर अब आपको इनकमिंग कॉल के लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। इसके अलावा कंपनी ने इंटरनेशनल रोमिंग पर आउटगोइंग कॉल के दाम भी घटा दिए हैं। नए ऑफर के तहत एयरटेल ने 1 से 30 दिन के लिए नए रोमिंग पैक दिए हैं, जिसके तहत एक दिन के लिए $10 का रोमिंग पैक है, 30 दिन के लिए $75 का रोमिंग पैक ऑफर उपलब्ध है। वीडियोकॉन टेलीकॉम एक बार फिर मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क यानी MVNO के जरिए टेलीकॉम सेक्टर में वापसी की योजना बना रही है। इस साल मई में वीडियोकॉन टेलीकॉम ने अपना स्पेक्ट्रम भारतीय एयरटेल को बेच दिया था। कंपनी जल्दी दूरसंचार विभाग के पास वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर लाइसेंस के लिए आवेदन करेगी। कंपनी ने एक बयान जारी करके बताया कि वो होलसेल रेट पर नेटवर्क सर्विस यानी कॉल और डेटा के लिए मौजूदा टेलीकॉम कंपनियों से करार करेगी। फिलहाल वीडियोकॉन पंजाब में GSM सर्विस दे रही है। MVNO के जरिए कंपनी देशभर में 3G और 4G सेवा शुरू करेगी। ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाले कंपनी इंड्योरेंस टेक्नोलॉजी का IPO 5 से 7 अक्टूबर के बीच खुलेगा। IPO के लिए कंपनी ने ₹72 के बीच प्राइस बैंड तय किया है। IPO के लिए लॉट साइज 30 शेयरों का होगा। कंपनी टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर और ट्रकों के लिए जो कंपोनेंट्स है वो बनाती है। कंपनी के IPO में कुल 2,46,00,000 शेयर बिक्री के लिए आएंगे, जिसमें इन्वेस्टर्स एक्टिस कंपोनेंट्स ने 1,92,00,000 शेयर बेचकर वो एग्जिट कर रही है, जबकि प्रमोटर अनुराग जैन कंपनी ने
53,17,000 शेयर बेच रहे हैं। इशू से कंपनी को कोई रकम नहीं मिलेगी। कंपनी के कुल 25 प्लांट्स हैं जो भारत, इटली और जर्मनी में हैं।